लाल टपक रहा ये करे दूसरे दिन भी बनाना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आपका इस मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो आप सभी के बीच एक और नई वीडियो आ चुकी है, तो जाके देखो। और मुझे पता है आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया है। जिस किसी ने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर वो सबसे पहले उसको देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो चलो फिर आपको इस वीडियो में दिखाते हैं आगे क्या क्या है आपके लिए। इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, तो जाके उसको देखना जरूर और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मम्मी क्या बना रहे हो? अरे क्या बनाओ यार, इस लॉकडाउन ने तो हमारा गर्क तोड़ दिया, गर्क बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा क्या रे? बेड़ा गर्क, जैसे वो गाना नहीं आता है हाँ। बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क कर यार। बेड़ा गर्क कर यार। तो हाँ वही, तो इसमें आप भैया जो भी है अपना टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा भाई, खाने पीने का जुगाड़ है। भूख बड़ी तेज लग रही है। भूख भी लग रही है भाई इस लॉकडाउन में बैठे बैठे। आइए दूध भी भूल गया, इसमें दलिया भी बन रहा। चलो तो फिर और है? तो आप देखो एक नया डिश बना रहे भाई हम। क्या नई डिश बना रहे हो? ए भैया ये पुराने गांव की रीति रिवाज है इसमें बनाएंगे हम, अभी बाद में बताऊंगी। अभी अभी नहीं बताना, सस्पेंस। जब कोई आप क्या देख रहे हो? सस्पेंस है, अभी आगे पता चलेगा, वीडियो में बने रहो। और क्या क्या बना रहे हम अभी? पहले चलो अब सबसे पहले कढ़ाई रखी। कढ़ाई रख दी मैंने यार, पता ही नहीं चल रहा मम्मी बना क्या रही है। देखते रहो, नहीं आया कोई, गांव की चीज है भाई। गांव की चीज है और फिर तो आज मजा सा आ जाएगा। गांव की चीज है, इतलिया बन गया। चलो मम्मी यार, तो सस्पेंस में क्यों रख रही है फिर सबको? बता ही दे आज की क्या बना रही है। अभी बना बताऊंगी ना, खबर करो। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ वो भी गांव की चीज है यार, सबर का फल मीठा होता है। जरूर, फिर जब तक बंदे जो है सबर कर रहे हैं तो तब तक उनको करना क्या है? तक देखते रहे, ये देखते तो रहेंगे तो वीडियो क्या करेंगे तब तक? कमेंट कमेंट करना है भाई। ओ भाई कर देना भाई प्लीज। मैं पहली बार वीडियो बना रही हूँ, नहीं दूसरी बार। अच्छा तो आपने कल बनाई, तो अगर वो वीडियो किसी ने देखी नहीं तो फटाफट से जाके पहले वाली वीडियो देखे, देख लेना भाई। वाली वीडियो जो है पराठे के ऊपर है, मम्मी ने बनाए थे गोद के पराठे। अगर जो कोई गढ़वाली है तो वैसन उनको पता ही होगा ज्यादातर। हाँ पता ही होगा ज्यादातर, तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन नहीं पता है, वीडियो का लिंक जो देसी लोग हैं अगर उनको नहीं पता है तो वो भी जाके देख सकते हैं। पराठे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक मिल जाएगा, आप जाके जल्दी देखिए उसको भी। पहले आप इसी वीडियो में बने रहे, बड़े ही मस्त हो रहे थे पराठे। तो लॉकडाउन में जो है अलग अलग स्वाद लेने का अलग ही मजा है, अब अलग अलग चीजें खाएंगे। टाइम मिलता नहीं है बनाने का। हाँ तो ऐसा रहता है कि कम से कम अब तो ये समय लॉकडाउन लगा है, तो अपने सबर से बना लो और मन की चीजें खाओ, अपने मन पसंद की चीज अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो भाई, है ना। तो क्या करे आप, ये बात तो तेरी सही है, है ना। ये चीज भी कभी कभी बनती है, वैसे खुशबू बड़ी जबरदस्त आ रही है, हर किसी के घर में नहीं होएगा। हाँ ये बात भी सही है, ये भैया गांव से लानी पड़ती है बड़ी मेहनत करके। दादी दादा जो है हल लगाते हैं, हल लगाने के बाद उस खेत को, जिसके दादी दादा है जिसके सास ससुर है वो तो ला सकता है, और जो उत्तराखंड में है उत्तराखंड में रहने ये भी है, बाकी तो और किसी के पास अब मिलेगा ही नहीं। तो जय उत्तराखंड भूल जाओ, जय उत्तराखंड, फिर जय देवभूमि उत्तराखंड। और जिसको खाना है वो आ सकता है, वैसे हमारे यहाँ पे भी ऐसी कोई बात नहीं, हम मना नहीं करेंगे। हाँ भैया आ जाओ। आज मम्मी आज किस किस को बुलाना चाहोगे? आज मेरे जितने फैमिली है परिवार है और YouTube फैमिली, आप सभी जल्दी आ जाइए। कल मत बोलना फिर कि मिल लेनी बोला। अब है नाम लेके बोलूंगी तो कोई बुरा मान जाएगा, किसी को मैं भूल जाऊंगी तो सब ऐसे बुरा मानेंगे, मेरा नाम ने लिया। जो मेरे भाई बहन लड़कियाँ भी है भाई मेरे, तो सब आ जाना। तो चलो फिर यार, अब जब मम्मी खाना बनाना स्टार्ट करेगी तो फिर तुम्हें पहले
नहीं तो पहले आप ये तो बताओ कि बना क्या रहे हो, तभी तो हम बताएंगे दोस्तों। आप बनाए भाई, देखो ये देखो मेरा डिश। ये क्या चीज है? ये है भैया भुट्टे, उबले हुए भुट्टे। अच्छा मुंगरी। हाँ, जिसके लिए बोलते गाँव में मुंगरी। हाँ, अब मैंने सोचा रखे हुए थे तो ये अभी काम आ जाएंगे। हाँ, है भाई गाँव की चीज़। बड़ा स्वाद भी बन जाएगा, आपने स्वाद से खा भी लेंगे आराम से बैठ बैठ के। इस समय टाइम है बैठ बैठ के खाने का, है ना? चलो फिर तो तुम्हें जो है टॉपिक तो पता चल गया है दोस्तों। हाँ। आज बनाने वाले हम मुंगरी, मम्मी के साथ मम्मी बनाएगी और हम जो है यहाँ पे आपको दिखाते रहेंगे कैसे कैसे बन रही है। जख्या, गांव में जख्या होता है ना, जख्या। हाँ, तुम्हारे गांव में होता भाई इसका। ये जख्या भी किसी किसी के घर में मिलेगा। ये उत्तराखंड के जितने भी घर है उन सब में मिलेगा आपको। इसका तड़का होता है बड़ा स्वादिष्ट, और आलू की सब्जी में तो भैया बड़ा मस्त गजब। तो चलो फिर अभी आलू में डालते इसे। तो फास्ट फास्ट है मम्मी, जब तक तू है सबको प्रोसेस बता दे कैसे कैसे बनता है, तो मैं उसको फिर फास्ट वीडियो में दिखा दूंगा, सबको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या होता है, कढ़ाई रखने के बाद तेल डाला, जख्खे डाला, उसके बाद क्या करना है? इसमें आप तड़का मार दो। तड़का मारने के बाद डाल दो इसे भून भान के। हाँ, और फिर मुंगरी को इसमें डाल देना। मुंगरी को डालो इसमें खूब अच्छा सा। हाँ हाँ, उसके बाद मार दो चौका मारने के बाद, फिर खाना है इसे। अच्छा, तो ऐसा प्रोसेस है। तो चलो फिर मैं जो है इनको फास्ट में वीडियो दिखाता हूँ, ताकि इनका टाइम वेस्ट भी वेस्ट ना हो और जल्दी से हमारा सामान जो है तैयार हो जाए फटाफट से खाने लायक। ठीक है, चलो तो फिर। पक रहे हैं कढ़ाई में, इसको सही से जो है पका लेंगे। अगर ये सही से पके रहेंगे तो फिर खाने में और स्वादिष्ट होंगे। और तुम जो है इसको साथ में पता क्या रखना, तुम भी इसके साथ में जो है भुट्टे पकने के बाद एक टमाटो सॉस होगा केचप, इसको केचप डालना फिर उसके साथ खाना, एकदम इतने टेस्टी लगेंगे तुम्हें। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने बहुत बार खा चुका हूँ ऐसी। इसको प्लेट में लेना और उसके अंदर डाल देना टमाटो सॉस और फिर चम्मच से खाओ। आ हाँ, बिल्कुल एकदम मज़ा आ जाएगा, तुम्हें जो है स्वाद मिल जाएगा बिल्कुल मस्त। तो चलो अब ये जो है इसको पकने देते हैं जब तक, उसके बाद मिलते हैं वीडियो में। चलो अब तो ये पक चुकी है, तो अब इसको खाएंगे, तो बताते हैं फिर आपको कैसा है इसका स्वाद। चलो फिर अब इसको खाते हैं। पकने के बाद कैसे दिखते हैं जरा देखो, जरा पकने के बाद कैसी हो गई है। नून मिर्च डाल दिया इसमें। A few moments later. तो चलो फिर स्टार्ट करो भाई, आपको भी जो खाना है तो आ जाओ। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? जिसने खाना है भाई आ जाओ, है ना? बाद में मत बोलना कि हमें नहीं दिया, हमें नहीं दिया, हमें। कल भी बोला था कि एक बोल रहा हमें नहीं दिया।
दिया, दूसरा कह रहा हमें नहीं दिया। भाई आज हम पहले बता रहे यार, आप मुंगरी के जो है आ चुकी है बन के, प्लेट व्लेट एकदम सज गई है, ये देखो प्लेटें सबकी सज गई है। तो उसको खाते हैं फिर उसके बाद बताते हैं वो कैसे लगी। बिल्कुल टेस्टी। मैंने जो है टमाटो सॉस ये लिए थे और डाल दिए मैंने सारे के सारे इसमें, खाने के बाद बताते हैं कैसे लगेंगे। अभी कैसे लग रहा हूँ टमाटो सॉस डालने के बाद टेस्ट कर, मैं टेस्ट करती हूँ, बता टेस्ट करके एकदम मस्त। अभी तो मम्मी कह रही है कि एकदम मस्त है, चलो हम खा के देखते हैं फिर उसके बाद बताते हैं आपको कैसे लग रहे हैं। भाई लोग खाना पीना तो हमने खा लिया है, हम सबके बीच में कंपटीशन लगा था कौन पहले खाएगा। तो नंबर वन विनर आपको देख के हैरानी होगी कौन आया है। नंबर वन जो है पापा आए हैं, उसके बाद मैं आया हूँ, उसके बाद गंजू और उसके बाद मम्मी, मम्मी सबसे लास्ट में। मम्मी बनाने फर्स्ट है पर खाने में लेट है बिल्कुल। खाने में सबसे पापा पहले है, पापा उसके बाद मैं। ये रही प्लेटें खाली। ए भैया प्लेटें खाली हो गए, तुमने भी खाना था क्या? हम सब तो निपटा चुके हैं चट करके बिल्कुल एकदम। प्लेटें बची हुई थोड़ा बहुत उसमें। भैया ऐसे बजा ऐसे टेस्टी हुए कि लाल टपक रहा। ये कह रहे हैं दूसरे दिन भी बनाना। अब भैया लाइक कमेंट जरूर करना ऐसे करके। बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल। लाल बटन भी, लाल बटन जरूर दबाना पक्का। और जिसको नहीं दबाने आता तो उसके पीछे एक वीडियो लगेगी, वो पता चल जाएगा तुम्हें कब दबाना। उसको दबाना भैया, देख लेना उसको बस फटाफट से। फिर मैं दूसरा डिश बनाऊंगी, नया डिश। फिर आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में, और जो इससे पहले वाला व्लॉग है वो भी देखो, जल्दी जाओ। इसके बाद भी कोई नई डिश आने वाली है? नया डिश बनाऊंगी फिर, अगले दिन व्लॉग आने वाला है मानी की। तो चलो गाइस, मम्मी कह रही है अब अगले दिन भी व्लॉग आने वाला है एक और नई डिश के साथ में। आज की डिश तो हमने कंप्लीट कर दी है और खा भी ली है। कोई आ ही नहीं रहा है यार, हम इतने दिनों से बुला रहे हैं तो कोई आ ही नहीं रहा, तो मत आओ भाई, हम तो खाएंगे फिर भी। तुम्हें दिखा देंगे बस ब्लॉग में, जैसे ही लॉकडाउन हटता है उसके बाद कोई भी आ सकता है वैसे तो, क्योंकि बीमारी भी चल रही है यार इस चक्कर में। तो चलो फिर अब मिलेंगे ऐसे ही कहीं अलग ब्लॉग में, तब तक के लिए तो गुड बाय, नमस्कार। और गढ़वाली में क्या कहते हैं? सिमन तस्सीमा नहीं फिर। तो चलो फिर।